Hello students, my name is Jigar Shukla and today we are going to start chapter 1 of standard 8th Maharashtra board. Name of the chapter is Living World and Classification of Microbes. So ye jo duniya mein jitne bhi living organisms hain unke bare mein thoda sa brief history padhenge aur jo microbes hain unke classification padhenge. Theek hai, to chaliye to shuru karte hain is chapter ko. आखिर बायोडाइवर्सिटी की नीड क्यों पड़ी, यानी कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों पड़ा, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इतनी है इसलिए. तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. तो लास्ट ईयर वी लर्न दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ हैव अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक रीजन्स फूड इंजेशन डिफेंस एक्सेट्रा. तो लास्ट ईयर हमने पढ़ा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो अडैप्ट हो गए हैं. अडैप्ट हो गए यानी अपने फिजिकल अपीयरेंस में और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज कर लिया है. किसके हिसाब से चेंज किया उन्होंने? ज्योग्राफिक रीजन्स की वजह से. ज्योग्राफिक रीजन्स यानी वो जिस एरिया में रहता है उसके हिसाब से वो बदल गए. जैसे पोलार बेयर देखो अलग है और यहाँ पर जो नॉर्मल बेयर होता है देखो अपने एरिया में वो अलग होता है. ठीक है, फूड इंजेशन खाना कैसे खाते हैं उसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी अडाप्टेशन हुए उनमें, यानी काफ़ी चेंजेस हुए. और डिफेंस के हिसाब से भी बहुत ही चेंजेस हुए. वाइल अडाप्टिंग यानी जब वो चेंज होते हैं, मैनी डिफरेंसेज आर ऑब्जर्व. बहुत सारे डिफरेंस जो हम ऑब्जर्व करते हैं इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज टू. चाहे वो एक ही स्पीशीज के भी अगर लोग होंगे ना, ऑर्गेनिज्म होंगे ना, जानवर होंगे ना, तो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अराउंड 87 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी. तो अगर हम 2011 का सेंसस देखें, जैसे ह्यूमंस को काउंट करते हैं ना, एनिमल्स की भी सेंसस होता है, तो उसमें 87 मिलियन यानी 870 लाख 870 लाख स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिज्म के. ठीक है, इतने एनिमल्स नहीं है, इतने स्पीशीज़ हैं इंक्लूडिंग लैंड एंड सी, चाहे वो लैंड पे हो या सी पे. अभी तक इतने नोन है, अभी तक इतने हमने डिस्कवर कर लिए हैं. टू स्टडी सच ए वास्ट नंबर, इतने सारे को पढ़ने के लिए इट वॉज असेंशियल, ये ज़रूरी था कि हम उन्हें डिवाइड कर दें इंटू ग्रुप्स. हम उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर दें, क्लासीफाई कर दें. सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वर क्रिएटेड. तो इस हिसाब से उन्होंने ग्रुप और सब ग्रुप जो है वो बनाए थे. कंसिडरिंग द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ग्रुप और सब ग्रुप कैसे बनाए? तो उनमें जो सिमिलैरिटी है उनको एक ग्रुप में डाला और जो डिफरेंसेज हैं उनको अलग ग्रुप में डाला. वैसे उन्होंने लाइक सिमिलैरिटी और डिफरेंसेज के हिसाब से हमने उनको क्लासीफाई कर दिया. दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन बोलते हैं. अंडरलाइन कर लेना कभी एक मार्क के लिए पूछ लिया तो. और इसके साथ ही एक क्वेश्चन हमारे यहाँ तैयार होता है कि वॉट इज़ द नीड ऑफ क्लासीफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये इसमें दो तीन पॉइंट तुमको मिल जाएंगे. अब हमको पता चल गया कि आखिर हमें उनको डिवाइड क्यों करना है. क्यों करना है? क्योंकि इतने सारे एनिमल्स हैं, सबके बारे में पढ़ते पढ़ते तो हमारी उम्र ख़त्म हो जाएगी. तो हमने क्या किया, उनको क्लासीफाई कर दिया. और ग्रुप्स को पढ़ते हैं तो उसमें लगभग सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको पता चल जाता है. तो लोगों ने ट्राई किया, कब कब ट्राई किया उसका थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग कि क्लासीफाई करने को अलग अलग लोगों ने ट्राई किया. सबसे पहले कार्ल लीनियस ने ट्राई किया इन 1735 में. उसने डिवाइड किया दो किंगडम में, यानी कि दो किंगडम बोलेंगे तो दो क्लासिफिकेशन बोलो, दो टाइप में उन्होंने डिवाइड कर दिया. इसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वेजिटेबलिया और एनिमलिया. वेजिटेबल्स में सारे के सारे उन्होंने प्लांट डाल दिए और एनिमल्स में सारे के सारे एनिमल्स डाल दिए. बस तो पहले प्लांट और एनिमल टू किंगडम क्लासिफिकेशन ही होता था. फिर हैकेल ने 1866 में कंसिडर किए तीन किंगडम. उसने बोला प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल्स. उसने बोला कि भाई देखो खाली जो दिख रहा है वही नहीं है, प्रोटिस्टा नाम का भी कोई एनिमल है. मतलब प्रोटिस्टा नाम का एक और हम किंगडम बनाते हैं, इसके अंदर हम छोटे छोटे जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उनको डाल देंगे. फिर 1925 में चैटन क्रिएटेड टू ग्रुप्स. उसने दो ग्रुप क्रिएट किए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. तो उसने उसको पता चल गया, तब तक जो बैक्टीरिया जो है वो डिस्कवर हो चुका था, उनको उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था. तो उन्होंने बोला कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट नाम के भी दो ग्रुप होने चाहिए. तो देखो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था. फिर 1938 में कोपलैंड आया, उसने डिवाइड किया, उसने दिया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. और उसने बोला मनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल. उसने चार किंगडम दे दिया. लेकिन हम इन चारों में से कोई नहीं पढ़ते, हम इन तीनों किंगडम में से कोई नहीं पढ़ते. हम पढ़ते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय रॉबर्ट हार्डिंग विट्टेकर. ये काफ़ी पॉपुलर है और वेल एक्सेप्टेड है. ये अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था. इन 1969 इन्होंने ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, यानी कि इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को पांच ग्रुप में डिवाइड किया.
इसके लिए उन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया दिए। यहाँ पे ये चार्ट है कि उन्होंने कैसे डिवाइड किया और यहाँ पर उनके रीजंस है, क्राइटेरिया जो उन्होंने कंसिडर किया। तो पहला बोला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कि सेल कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर सिंपल सेल है तो उनको बोल दो प्रोकैरियोट। सिंपल सेल है, इसके अंदर खाली क्या होगा पता है, एक सेल वॉल होगा, साइटोप्लाज्म होगा और जेनेटिक मटेरियल होगा बस। यूकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, फिर साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनिल्स, न्यूक्लियस, सारे के सारे जो हैं वो कंपोनेंट होते हैं जो एक सेल में होने चाहिए, तो उनको यूकैरियोट बोल दिया। प्रोकैरियोट यानी खाली तीन ही चीज़ें उसमें, क्या क्या हैं, सेल मेम्ब्रेन या तो सेल वॉल और साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल, बस ऐसे ही खुला है और कुछ नहीं उसमें। इसमें सारे सारे बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं आता इसमें। यूकैरियोट में ज़्यादा करके एनिमल्स जाते हैं। चलो, तो पहला इसने क्या देखा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कि सेल कितना कॉम्प्लेक्स है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, एक सेल से बनाए कि बहुत सारी सेल से बनाए। तो एक सेल से बनाया तो बोला यूनिसेल्यूलर, बहुत सारी सेल से बनाए तो मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर है तो उसको बोला हमने प्रोटिस्टा, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर है तो और दूसरे क्राइटेरिया चेक किया कि भाई वो खाना कैसे खाते हैं, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। अगर अपना खाना खुद बनाते तो उसको बोलो प्लांट, अगर अपना खाना डेड बॉडीज से लेते हैं और सड़े हुए खाने से लेते हैं यानी ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं डेड बॉडी से, तो उसको फंगस बोलो। और जो प्लांट से या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो खाना खाते हैं, देखो ये खाते नहीं है, ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, रूट रूट्स के थ्रू, इनके रूट जैसे होते हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते लेकिन ये प्लांट के जैसे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल क्या करते हैं, खाने को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं मुँह से चबा के, तो ये फ़र्क होता है। तो उनको बोला हेटरोट्रॉफिक, ठीक है, तो इनको हमने बोल दिया एनिमल किंगडम 5 में डाल दिया। तो ऐसे इन्होंने क्लासिफाई किया। और भी क्राइटेरिया दिए उन्होंने, जैसे लाइफस्टाइल देख लो, प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, खाना बनाते हैं, एनिमल कंज्यूमर होते हैं, और फंगस डीकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि जो मरने के बाद जो फंगस आती है वो क्या करती है, वो उसको सड़ाती है, डीकम्पोज करता है यानी सड़ाता है। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिया इन्होंने। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब वो इवॉल्व कैसे हुए हैं। तो हम सारे के सारे प्रोकैरियोट से पहले यूकैरियोटिक सेल बनी होगी, उसमें यूनिसेल्यूलर सेल बनी होगी, फिर यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर बने होंगे, और ऐसे जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती हुई होगी। तो ये उन्होंने, इनको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा इनका। तो यू प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बने होंगे और यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर बने होंगे, ऐसा वो कहते हैं। कौन कहते हैं, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, ठीक है। तो ये किंगडम में अभी हमें ये क्लासिफिकेशन में हमें तीन चीज़ें यहाँ पढ़नी है अपने स्टैंडर्ड में। किंगडम 1 पढ़ेंगे मनेरा, 2 पढ़ेंगे प्रोटिस्टा और फंगस, बस ये तीन किंगडम हमको यहाँ पढ़ने हैं। प्लांट 9th में है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल 10th में, ठीक है। तो हमें अभी तीन किंगडम पढ़ने हैं यहाँ पे, तो जाते हैं शुरू करते हैं फिर। किंगडम 1 है मनेरा, पहले एक्टिविटी करते हैं। टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड, दही होगा घर में या बटर मिल्क होगा छाछ, उसको एक ग्लास स्लाइड पे लेना है। ग्लास स्लाइड कौन सी वाली, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे लगती है देखने के लिए, उस पर उसको डाइल्यूट करो थोड़े से पानी के साथ, यानी थोड़ा सा पानी मिक्स करो उसमें। फिर केयरफुली कीप अ कवर स्लिप, फिर इसके ऊपर कवर स्लिप लगाओ और ऑब्जर्व करो अंडर हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, एक कंपाउंड और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सेल देखी जा सकती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम्स को ऑब्जर्व किया जाता है, या सेल ऑर्गेनिल्स देखने हो तो अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसे सेल तो दिख जाएंगे, तो व्हाट डिड यू सी, जब तुम देखोगे तो क्या दिखेगा। तो एक सेल जो है वो रॉड लाइक होगी, रॉड लाइक यानी कि कुछ इस तरह की, ठीक है। माइक्रोब्स आर लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, तो वो कैसे देखेंगे, वो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया है जो दही में होता है, ये नाम सुना होगा तुम लोगों ने। ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जी जो है आर इंक्लूडेड इन किंगडम मनेरा। तो मनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया और जो एल्जी है, एल्जी काई जो लगती है पता है बारिश में आ जाती है वो ग्रीन कलर की, वो जो है इस किंगडम में आती है, या पानी के ऊपर तुमने कई बार तैरते हुए देखी होगी पॉन्ड में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसमें, तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्यूलर। इसके अंदर जितने भी जानवर आते हैं वो सारे के सारे कैसे सिंगल सेल के, यानी उन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। तो काई तो दिखती है क्योंकि वो सिंगल होती तो नहीं दिखती, काई क्या होती है कि वो ग्रुप में रहती है, बहुत सारे एक जगह पर आ जाती है, इस वजह से अपने को दिखती है, नहीं तो नहीं दिखती वो भी। दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, वो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है और हेटरोट्रॉपिक हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक यानी अपना खाना खुद बना सकते हैं, अगर ग्रीन होगी तो अपना खाना खुद बनाएगी ग्रीन एलजी, और हेटरोट्रॉपिक हुए तो अपना खाना कहीं और से वो लोग खाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो आसपास होगा, जो उसके एब्स्ट्रैक्ट होंगे, उसको वो डाइजेस्ट करेंगे। दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनिक। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, यानी कि इनमें ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही सेल ऑर्गेनिक होता है। इनमें क्या क्या होता है, खाली तीन चीज़ें होती हैं, सेल वॉल या तो फिर साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल बस। फिर किंगडम 2 में आते हैं प्रोटिस्टा।
एक एक्टिविटी देख लेते हैं। प्रिपेयर अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ वन ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। तो अभी पॉन्ड का वाटर लेना है, तालाब का पानी लेना है, थोड़ा गंदा वाला, उसको ग्लास के स्लाइड पे लगाना है। फिर इसको लो पावर और हाई पावर के माइक्रोस्कोप में देखना है। तो हमें कुछ मोटाइल माइक्रोब दिखेंगे, मोटाइल यानी इधर उधर मूव करने वाले, ठीक है। मोटाइल मतलब मोटे नहीं, वो इधर उधर मूव करते हैं वो, ठीक है। मोटाइल मतलब मोबाइल, तो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं विथ इररेगुलर शेप, और उसका जो शेप है वो इररेगुलर होगा, वो होगा ये अमीबा होगा। दीज आर अमीबे, ठीक है। वो क्या है, अच्छा अमीबा मतलब एक और अमीबे मतलब प्लूरल है, ठीक है। तो बहुत सारे अमीबा होंगे, वो इररेगुलर शेप जो तुम्हें दिखेंगे वो क्या होगा, अमीबा होगा। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसमें कौन से आते हैं, पैरामीशियम आता है, अमीबा आता है, वॉल्वॉक्स आता है और यूग्लिना आते हैं। ये जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं, और ये सारे इधर साइड में जो एग्जाम्पल्स हैं ये मोनेरा के हैं। अगर नाम पढ़ने नहीं आते तो मैं पढ़ देता हूँ, स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिए, क्लॉस्ट्रोडियम टिटैनी, ट्रेपोनिमा पैलिडम, वेब्रियो कोलेरी, सेल्मोनिला टाइफी, क्लॉस्ट्रोडियम बॉट्यूलिनम, लॉजियोनिला न्यूमोनिए, और ये स्टेफिलोकॉकस ऑरियस, ठीक है। ये इनके नाम है, तो एक बार नहीं तो उसको वापस तुम लोग रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। दो तीन बार पढ़ सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो गूगल प्रेजेंटेशन तो है ही अपने पास। चलो तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं अभी हम मनेरा के। प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा कैसे सिंगल सेल्ड यानी उनमें एक ही सेल होगी, विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस होगा। अच्छा सेवन्थ में हमने ऑलरेडी पूरा सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, वो सेंटर में जो होता है ना जिसमें जेनेटिक मटीरियल होता है, वो एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के से एनक्लोज्ड होगा यानी बंद होगा। दे हैव सीडोपोडिया और हेयर लाइक सिलिया और विप लाइक फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, उनको मूव करने के लिए, देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है या ये फ्लैजिला है, ये पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लोकोमोशन के लिए होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह पर हिलने के लिए होता है इनके लिए। ये ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल है यूग्लिना और वॉल्वॉक्स। ये यूग्लिना ग्रीन कलर का दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये और ये वॉल्वॉक्स, ये कैसे हैं, ऑटोट्रॉप्स यानी अपना खाना खुद बना सकते हैं। और हेटरोट्रॉप्स होते हैं जैसे अमीबा और पैरामीशियम, ये अमीबा और पैरामीशियम भी कैसे हेटरोट्रॉप यानी ये अपना खाना जो है खुद नहीं बना सकते, इनको बाहर से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इंजेस्ट करना पड़ेगा। फंगस के बारे में पढ़ते हैं अभी। एक्टिविटी, टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी, कीप इट इन अ कंटेनर विथ लीड फॉर 2 to 3 days। तो एक भाकरी या ब्रेड लेनी है, उसको थोड़ा गीला करके कंटेनर में डाल देना है 2-3 दिन के लिए। आफ्टर 2-3 days अ फाइन कॉटन थ्रेड लाइक टफ्ट इज फाउंड ग्रोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रेड। तो ब्रेड के चारों तरफ देखना ऐसा वाइट या तो क्रीम कलर का जो ना एक ऐसा टफ आ जाएगा उसके ऊपर चारों तरफ, कॉटन की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। प्रिपेयर अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ फ्यू थ्रेड फ्रॉम दिस कल्चर, उससे कुछ जो थ्रेड है उनको वहाँ से हटाओ और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, यहाँ फोटो दिख रही है ना वैसा, ये राइजोब्स हैं, राइजोइड्स यानी रूट्स लाइक स्ट्रक्चर, ये स्पोरेंजियोफोर है जो उसको स्ट्रक्चर को सपोर्ट देते हैं, वो ये एफोफिलिस है, फिर ये कॉल्यूमिलस है, ये इनके अलग अलग पार्ट्स के नाम है, ये हाइफा है जो एक बेस देता है स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ये खड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये इसके पोर्स हैं, ये पोर्स निकलते बाहर और ये फिर से, ये हमेशा हवा में होते हैं ये माइक्रोपोर्स, ठीक है। तो कहीं पे भी तुम कुछ भी गीला ऑर्गेनिक मटेरियल देखेंगे ना तो ये वहाँ पे आके लग जाएंगे, वहाँ पे उसको फंगस लग जाएगी, कुछ भी खाने पीने की चीज़ हो या कोई डेड बॉडी हो वो कुछ टाइम तक पड़ी रहेगी तो वहाँ पर फंगस लग जाती है, क्योंकि जो पोर्स है वो हमेशा एयर में होते हैं, एयर बोन होते हैं वो, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये नॉन ग्रीन होते हैं यानी इनका कलर ग्रीन नहीं होता, यूकैरियोटिक होते हैं यानी इनके सेल में प्रॉपर सेल वॉल होगा, सेल ऑर्गेनिल होंगे, न्यूक्लियस वगैरह होगा, और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉप्स, ज़्यादा करके ये कैसे होते हैं, सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। सैप्रोट्रॉप्स मतलब जो डेड डिकेइंग मटीरियल होता है वहाँ से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये दिखते प्लांट जैसे हैं बट ये डेड मटेरियल से डायरेक्टली अपना खाना लेते हैं, ये सन की लाइट नहीं चाहिए इनको, ठीक है। दे फीड अपॉन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो ये जो सड़ता हुआ ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर वो अपना खाना लेते हैं। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर, एक तरह की शुगर से बनी होती है उनकी सेल वॉल जिसका नाम है चितिन, ठीक है।
सम फंगस आर थ्रेड लाइक मैनी न्यूक्ली आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. तो कुछ फंगस जो थ्रेड जैसे होते हैं और उनके एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं. न्यूक्लियाई होते हैं यानी बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे एक ही सेल में. एग्जाम्पल है बेकर्स यीस्ट. यीस्ट आपने ये तो घर पे लाया होगा ब्रेड बनाने के लिए या ढोकला बनाने के लिए, है ना. एस्परगिल्स ये कॉर्न के ऊपर जो फंगस लगते हैं उसको बोलते हैं एस्परगिल्स गिल्स. फिर मशरूम्स तो खाए होंगे, है ना, पिज्ज़ा पे. पेनिसिलियम भी होता है एक, इससे दवाई बनती है वैसे. तो बहुत सारे फंगस यूज़फुल भी. अच्छा मशरूम तुम नहीं निकल जाना बारिश में खाने के लिए, बहुत सारे जहरीले भी होते हैं तो अपने को पता नहीं चलता है. दो मैनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द विटेकर फाइव किंगडम सिस्टम इज वाइडली एक्सेप्टेड. बहुत सारे किंगडम हैं मतलब क्लासिफिकेशन है सिस्टम के, लेकिन हम लोग तो ज़्यादा करके कौन सा यूज़ करते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही यूज़ करते हैं. अभी हम यहाँ तक जो है हो गया, लेकिन जो माइक्रोब्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स पढ़ते हैं, ठीक है. तो ये सबसे लार्जेस्ट नंबर के में माइक्रोब्स होते हैं पूरी दुनिया में, इसलिए उनको क्लासीफाई किया इन्होंने. बट उससे पहले हम साइज देख लेते हैं यहाँ पे एक थोड़ी सी, कि एक मीटर में, मीटर आपको पता है ना कितने, 100 सेंटीमीटर होता है एक मीटर में, उसमें होता है माइक्रोमीटर. हम अभी सेल्स को माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में जो है नापने वाले हैं, इसलिए अपने को सेंटीमीटर में भी नहीं नाप सकते, इसलिए बहुत छोटा ये. तो एक मीटर में होता है 10,00,000 माइक्रोमीटर, 10^6 माइक्रोमीटर. अच्छा इसको लिखने का ये ओमेगा ये साइन है, ठीक है. और एक मीटर में होता है 10^9 नैनोमीटर, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है, 10^9 मतलब एक के पीछे 9 जीरो लगेंगे और 10^6 मतलब एक के पीछे 6 जीरो लगेंगे. इतने सारे माइक्रोमीटर होते हैं एक मीटर में, और एक मीटर में इतने सारे नैनोमीटर होते हैं. ये जस्ट एक नंबर है, इसको याद रखना, ठीक है. ये साइज को नापने के लिए, तुमको आइडिया देने के लिए कि कितना छोटे होते हैं सेल्स, ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर हम क्लासीफाई करें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तो हमको पता है. उसमें प्रोकैरियोटिक में सिर्फ बैक्टीरिया आता है, यूकैरियोटिक में तीन टाइप का ले सकते हैं हम लोग, प्रोटिस्टा लेंगे, फंगस लेंगे और एल्जी लेंगे, ठीक है. तो अभी हम इनको पढ़ते हैं. पहला बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की साइज होते हैं 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में, ठीक है. तो ये छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं. यूनिसेल्युलर होते हैं यानी सिंगल सेल होगी. इंडिपेंडेंट हो गए यानी इधर उधर घूम सकते हैं ये लोग. या पैरासाइट भी होते हैं कुछ. पैरासाइट होता है यानी दूसरे एनिमल्स के बॉडी में सर्वाइव करता है. समटाइम्स मैनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज. कभी कभी बहुत सारे बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है. हमको सर्दी लगती है तो क्या किसी बैक्टीरिया की वजह से अगर लगी है तो वो बैक्टीरिया हमारे फेफड़ों में और हमारे गले में कॉलोनी बना लेगा, ठीक है. तो वो पैरासाइटिक हो गया. फिर बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक सेल विथ सेल वॉल. तो बैक्टीरियल सेल जो प्रोकैरियोटिक होती है और उसमें सेल वॉल होती है. प्रोकैरियोटिक मतलब उसमें न्यूक्लियस अलग से नहीं होता, सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट. हाँ यही तो प्रोकैरियोटिक का मतलब ही ये होता है, ठीक है. उसमें ना तो न्यूक्लियस होगा ना उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होंगे. दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. तो वो बाइनरी फिजन से जो है रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक सेल है तो वो डिवाइड होकर दो बन जाएगी. बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा डिटेल्स हम लोग 10th में पढ़ेंगे. ये फिजन का जो पूरा इसके ऊपर अपने को चैप्टर है पूरा रिप्रोडक्शन नाम का. इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विगरसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स. अगर उनके कंडीशन फेवरेबल है तो 20 मिनट में बैक्टीरिया डबल हो सकता है. इसलिए सर्दी तुरंत लगती है ना, कि अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं थी और 15 मिनट में 20 मिनट में लग जाती है. फिर पढ़ते हैं प्रोटोजोआ. इनकी साइज होती है अप्रॉक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर, ठीक है, 200 माइक्रोमीटर तक इनकी साइज होती है. प्रोटोजोआंस आर फाउंड इन सॉइल. तो वो ज़्यादा करके मिट्टी में मिलते हैं या फ्रेश वाटर या सी वाटर में भी मिलेंगे. सम आर फाउंड इन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी मिलते हैं एंड आर पैथोजेनिक. पैथोजेनिक यानी बीमारी फैला सकते हैं, ठीक है. कुछ ऐसे हैं जो बीमारी भी फैलाते हैं. दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं. यूनिसेल्युलर यानी एक ही सेल होती है इनके पास, विथ यूकैरियोटिक सेल. लेकिन इनकी सेल में सब कुछ होगा, यानी सेल वॉल होगी या फिर सेल मेम्ब्रेन होगी, फिर सेल ऑर्गेनेल होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब होंगे इसके अंदर. देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर. इनके सेल के स्ट्रक्चर में बहुत वेरिएशन मिलता है. ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोआ. इनका स्ट्रक्चर अलग होगा. इनमें लोकोमोशन के लिए अलग, देखो इसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, किसी को वो जो यूग्लिना था इसको फ्लैजिला था यानी फ्लैग लाइक पीछे टेल लाइक स्ट्रक्चर था, है ना. और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो अभी यूग्लिना अपना खाना खुद बनाता था लेकिन ये पैरामीशियम अपना खाना खुद नहीं बनाता है. तो प्रोटोजोन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें, उनके लोकोमोशन के हिसाब से देखें या उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो काफ़ी अलग अलग वेरिएशन अपने को देखने को मिलता है. दीज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन. तो ये सेल डिवीजन से जो है रिप्रोड्यूस होता है, यानी एक सेल से दो सेल बनेगी, ठीक है, इसमें भी. लेकिन सेल डिवीजन में फ़र्क है और
फिजन जो हमने बाइनरी फिजन देखा उसमें फ़र्क है। ये अभी के लिए सेम ही समझो, 10th में आएंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम जो है वो फ्री लिविंग या डर्टी वाटर में रहते हैं वो। फिर एंटा अमीबा एस्टोलिटिका जो है वो अमीबियोसिस नाम की एक बीमारी है, वो कॉज करती है, उसका कॉज है वो। प्लाज्मोडियम से अपने को मलेरिया होता है जो मच्छर कैरी करता है ना, मच्छर के बॉडी में होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, और वो ह्यूमंस में आता है तो अपने को मलेरिया हो जाता है। फिर यूग्लिना जो ऑटोट्रॉपिक होती है यानी अपना खाना खुद बनाती है। फंगस के बारे में पढ़ते हैं, फंगस की साइज़ होती है अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक की। ये जनरली डीकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल और डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, दीज आर यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म यू कैरियोटिक है, यू कैरियोटिक मतलब इनमें सेल ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, और प्रॉपर न्यूक्लियस भी होगा। सम आर यूनिसेल्युलर एंड सम अदर्स आर विजिबल विथ नेकेड आइज। कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं लेकिन कुछ जो है वो नेकेड आइज से दिखते हैं। ऐसे कैसे दिखते हैं? क्योंकि ये कॉलोनीज में रहते हैं, तो जब कॉलोनीज बनती है तो अपने को दिखते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं दिखते, अगर एक ही होगा तो नहीं दिखेगा। सेप्रोट्रॉफिक होते हैं ये। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब ही होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर से खाना लेना। ठीक है ना, एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इसका ये मीनिंग ही आगे दिया है। सेप्रोफाइटिक का मतलब ही मीनिंग आगे दिया है सेप्रोट्रॉफिक का। दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एंड असेक्शुअली बाय सेल डिविजन और बडिंग। तो वो सेक्शुअली और असेक्शुअली जो है वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। अब ये अभी खाली याद रखना, लेकिन इसका सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होना मतलब गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और असेक्सुअल में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। तो इसके डिटेल्स भी हम लोग 10th में ही पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए खाली इतना याद रखना कि वो सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल है बेकर्स ईस्ट, कैंडिडा और मशरूम्स। ठीक है, फिर एल्जी के बारे में पढ़ते हैं। कुछ लोग इसको एल्गे ही पढ़ते हैं, बोथ आर करेक्ट, तो टेंशन नहीं लेना, एल्गे ही बोलो या एल्जी बोलो। ठीक है, साइज होती है अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में। वो एक्वेटिक होता है यानी कि पानी में रहता है। यू कैरियोटिक होता है, यू कैरियोटिक यानी सेल मेम्ब्रेन होगा, इसमें साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा प्रॉपर। यूनिसेल्युलर होता है यानी एक ही सेल होती है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, एल्जी जो है ये काई है, एल्जी ये कौन है? काई है। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। तो इनकी सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, इस वजह से ये अपना जो खाना है वो खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरेला और क्लैमिडोमोनस। ठीक है, क्लैमिडोमोनस। वेरी फ्यू स्पेशीज ऑफ एल्जी आर यूनिसेल्युलर, बहुत ही कम स्पेशीज है जो यूनिसेल्युलर होती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेल्युलर एंड विजिबल विद नेकेड आइज। ज़्यादा करके वो है वो मल्टी सेल्युलर होती हैं और नेकेड आइज से विजिबल होती हैं, दिखती है अपने को। ठीक है, वो काई का एग्जाम्पल ही लिया मैंने इसीलिए। नाउ वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं। वायरस जो है एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आते हैं, यानी कि ना लिविंग है ना नॉन लिविंग। इनको नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते, इनको लिविंग भी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हम इसको बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इनकी साइज होती है अप्रॉक्सीमेटली 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये मॉलिक्यूल्स के साइज के होते हैं, तो बहुत छोटे होते हैं बेसिकली, बहुत ही ज़्यादा छोटे। तो इनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं पाएंगे, हमको इसके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। तो जनरली वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेड टू बी ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि उनको हम लिविंग तो नहीं बोलते लेकिन वो एज पे होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के, इनके बीच में आता है वो। दे आर स्टडीज अंडर माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन फिर भी उनको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, यानी बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट ये मिनट नहीं है इसको। ठीक है, स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रनन्स अलग तरीके से करते हैं इसको। दैट इज मतलब दे आर 100 to 10 to 100 times स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया से भी 10 से 100 times छोटे होते हैं। एंड कैन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसको देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप लगेगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, तो वो इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के फॉर्म में अपने को मिल सकते हैं। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, तो वायरस होता क्या है? एक बड़ा सा डीएनए का मॉलिक्यूल है। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर आरएनए का एक बड़ा चेन होगा, ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इनके डिटेल्स हम लोग 9th में पढ़ेंगे, अभी के लिए खाली याद रखना कि डीएनए और आरएनए की लंबी चेन होती है बस वो, और वो कवर्ड होती है एक प्रोटीन कोट से, उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस क्या होता है, डीएनए होगा या तो आरएनए होगा और एक प्रोटीन का कोट होगा चारों तरफ, बस।
वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट और एनिमल सेल. वायरस तभी सर्वाइव कर सकते हैं वो या किसी लिविंग प्लांट या किसी लिविंग एनिमल्स में रहे तो, एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल. और क्या करते हैं वो, एक सेल के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से मटेरियल यूज करते हैं और अपने जेरॉक्स निकाल लेते हैं, कॉपीज बना लेते हैं वो, एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका, और बहुत सारी अपनी कॉपीज बना लेते हैं, रेप्लिका मतलब कॉपीज. देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, उसके बाद वो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड बिकम फ्री, और फ्री हो जाते हैं. फिर फ्री वायरस फिर से दूसरे सेल में जाते हैं, उसको इन्फेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पर रेप्लिका बनाएंगे. इस तरह से वायरस अपना नंबर एक बॉडी में बढ़ाते रहता है. वायरसेस कॉज मैनी डिजीज टू प्लांट्स एंड एनिमल. तो प्लांट और एनिमल में बहुत सारी बीमारियाँ जो है वायरस से होती है. देखो इस वायरस की वजह से ही हम लोग आज ऑनलाइन लेक्चर पढ़ रहे हैं वैसे, है ना. एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ह्यूमंस में पोलियो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, HIV वायरस होता है, कैटल्स में होता है पिकोर्ना वायरस, प्लांट्स का जो टोमेटो है टोमेटो को लगता है विल्ट वायरस लगता है, टोबेको में लगता है मोजेक वायरस. वैसे बैक्टीरिया में भी वायरस होता है, वो है बैक्टीरियोफेज. ठीक है, ये वायरस बैक्टीरिया में भी अटैक करते हैं. हाँ भाई, इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि ऐसा बैक्टीरिया को भी अटैक होता है वायरस में, वायरस का. ठीक है, चलो तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. आपको पीछे के सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. अगर कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ व्हाट्सअप करो, और बाद में हम करेंगे सेकंड चैप्टर. सो थैंक यू, बाय बाय.